सो गाइस, मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कुछ इस तरीके का कबर बनाने के बारे में, जो कि आप लोग घर बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपको बनाना है अपने फ़ोटो का, तो आपको बहुत इजीली इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो आप लोगों को सिंपल से क्या करना पड़ेगा, बस आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत है, या फिर आप किसी से प्रिंट करा लीजिएगा, या फिर आप कोई सी मोबाइल शॉप पर जाके फ़ोटो अपना प्रिंट करा लीजिएगा। याद रखना, प्रिंट फ़ोटो बिल्कुल आपका साफ हुआ हो, जो कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे यहाँ पे बैक के पैनल पे। तो चलिए मैं आप लोगों को ये प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो सिंपल सा आपको एक कवर की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर कुछ लग रहा होगा तो उसको आपको छुटा देना है कुछ इस तरीके से। छुटाने के बाद उसके साइज़ का आपको फ़ोटो को अपने काट लेना। तो साइज़ बिल्कुल आप फ़ोटो का साइज़ जो आपका हो, बड़ा हो थोड़ा, और जो कवर है आपका तो उसमें आपका फिट आ जाए, इतना बड़ा फ़ोटो आप प्रिंट करा लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा फ़ोटो जो प्रिंट कराया। तो अब मैं इसको जो कवर है इसका, मैं इसका देखिए इसी से ही नाप के इसको कट करूँगा। तो आपका अगर कुछ इस तरीके का कवर नहीं है, वैसा कवर है, तो आप मोबाइल के ऊपर काट कर ब्लेड से काट लीजिएगा। मोबाइल से तो ब्लेड बिल्कुल नया ले लीजिएगा, जो कि कटिंग आपकी पूरी तरीके से साइडों से फिट कटिंग आए। तो यहाँ पर मैं पहले कैंची से इसको काट लेता हूँ, जो कि मेरे पास ये मैंने छुड़ा लिया है कवर का नापने के लिए। तो इसको मैं कैसे से कट कर लेता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं इस वीडियो को देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, सब कुछ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से काट लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सेट अच्छे से करके आपको काटना है, इसके कोने जो है बिल्कुल जिस तरीके से हैं उस तरीके से आप लोगों को काट लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फ़ोटो इतना अभी आ रहा है, तो अभी बाकी का और साइड से काट लेता हूँ, जहाँ से जहाँ तक भी आपका फ़ोटो आए वहाँ से काट लेना। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको काट लिया है, और कोने भी इसके कट कर देता हूँ। तो चारों तरफ से कोने में यहाँ पे कट कर लिए। तो यहाँ पे मेरी कटिंग जो है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे देखिए सेट करके देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिफॉल्ट आ रहा है, तो इसको भी काट लीजिएगा आप, जितना भी आपको का साइड होगा हो तो यहाँ पे वो भी आप कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद आप लोगों को सिंपल से अपने फ़ोटो को और कवर को उसके ऊपर रखना, जो कि कवर का पैकेट है, तो उसके ऊपर लगा कर मैं आपको फ़ोटो नीचे रखकर इसका जो कैमरे का है और स्पीकर का कैमरा और फ्लैश वो यहाँ पे कट करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको वहाँ पे एक ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास ये ब्लेड है एक्स्ट्रा ब्लेड, तो इससे ही मैं इसको इस पर निशान लगा कर कट करूँगा। तो पहले जो मैं इस पर निशान लगा लेता हूँ थोड़ा हल्का करके, जो कि मुझे पता चल जाए कि कहाँ तक लो निशान लगा हुआ। तो यहाँ पर फाइनली निशान मैंने लगा चुका हूँ, और यहाँ पर इसको थोड़ा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे निशान जो है इस पर अच्छी तरह लग गया है। अब आप लोगों को सिंपल सी आपको ब्लेड लेना है, जो कि आपका तेज़ होना चाहिए। तो ब्लेड से आप थोड़ा सा छेद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा टैट करके आप कोई भी चीज़ से इसको कट करिएगा, मतलब थोड़ा सा टैट करेंगे तो आप ये फोटो खुद ही इतना कट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काट लिया, अब मैं इसको निकाल देता हूँ एक साइड में। तो देख सकते हैं आप लोग बहुत इजीली ये निकल जाएगा, आप जितना डेड करके करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने बहुत इजी तरीके से निकाल लिया है। फिर आप अपने कवर में देखिएगा कुछ इस तरीके से लगा करके क्या आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर लगा कर देखा तो थोड़ा अभी ठीक से नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सही से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको चिपकाने के लिए कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, अगर आप चिपकाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो फोल्डर लगाने वाला टूप होता है वो लगा दिया है चिपकन का। तो नोट जोड़ने वाला टूप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दिया, सही है, कोई सी भी चिकन लगा सकते हैं, फेवी डोल लगा सकते हैं आप, हल्का हल्का लगाइएगा और साइड से चिपका दीजिएगा। उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा फोल्ड हो आप उसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये फालतू हो रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं आप भी अच्छे से करिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो ये कवर का सैन है बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। फिर उसके बाद आप अपने फ़ोन पे जो लेमिनेशन कर लीजिएगा, जो कि और सॉलिड लगा है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ लेमिनेशन करके। तो लेमिनेशन मैंने अपने फ़ोन पे कर लिया है, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पीछे से। तो ये देख सकते हैं हमारा फ़ोन कवर, जो कि बहुत सॉलिड लग रहा है। तो दोस्तों इसी बात पर अभी से लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं कराया भूले पड़े तो। ये लाइक हमारा 1000 का टारगेट है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, आपका जो भी सवाल सुझाव है वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।
और इस चैनल को आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। सो गाइज, बस यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में, जो कवर के बारे में बताने वाला था, तो आपका कवर जो इस तरीके का होगा तो भी चलेगा, और आपका कवर वैसा और टाइप का होगा तो वो भी चल जाएगा। तो आप लोगों को कवर बस सिंपल से लगाना और इसको ऊपर से फ़ोटो चिपका देना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ये मैंने वीडियो बना दी है। तो दोस्तों, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्यूचर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।